फंक्शन एफ क्या हो जाएगी इट इज इक्वल टू सेट बी ठीक है सिंपली और ये वन वन है तो मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉन्क्लूड यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी होगी व्हेन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू सिमिलरली अब अगर यही लाइन में जी के लिए बोलूंगा तो जी बी क्या है इज एंड ऑन टू जी बी क्या है एक तो जी बी जी इज वन वन एंड ऑन टू अगर जी ई इज वन वन एंड ऑन टू तो अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? कि रेंज ऑफ रेंज ऑफ जी ये किसके इक्वल है रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू सी होगी क्योंकि कहां है? B C है, तो रेंज ऑफ जी क्या है सी के इक्वल है सिमिलरली जी ऑफ एक्स वन वल टू जी ऑफ एक्स टू ओनली एंड ओनली वेन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू क्योंकि ये क्या है? एक है। अब हम बात करते हैं किसकी गए अगर गॉफन है तो गॉफ वन वन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा गॉफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू गॉफ एक्स टू हो जाएगा मीन्स गॉफ ऑफ एक्स वन और गॉफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या है सेम होगी लेट्स से मैं करता हूं। तो हमें पता है अगर हमने यहाँ पे अभी देखा जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीओ एक्स टू होता है सिंपली तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कॉन्क्लूड कर सकता हूँ कि ये दोनों ओनली एंड ओनली वेन इक्वल होंगे जैसे X1 is equal to X2. तो क्लियरली अगर हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं

इसे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ क्लियरली तो, अगर हम देखेंगे तो जी ऑफ जेड जी ऑफ जेड मीन्स ये इंडायरेक्टली क्या हो जाएगा जी हमारा जो जी फंक्शन था उसकी तरह हो गया जहां पे जी एक्स था और एक्स कहाँ का एलिमेंट था एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी सी एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी क्या होगा बी का एलिमेंट हो गया तो सिमिलरली इससे क्या होगा रेंज क्या जाएगी जी एक्स की सेट सी के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ रेंज ऑफ जी जेड क्या इक्वल हो, तो हो जाएगी सेट सी के तो यहां से हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू सेट सी रेंज ऑफ जी जेड इज इक्वल टू सेट सी इसको थोड़ा इक्वल टू सेट C, या फिर से तो 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 ये ये के के हो जाएगा? क्या हो हो है है की क्या 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 जाएगा जाएगा हमारा एक is onto. Is onto function. अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया कि क्या था एक वन वन फंक्शन था और गॉफ क्या एक ऑन टू फंक्शन भी है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं गॉफ इज बाइजेक्टिव क्योंकि जब भी कोई फंक्शन क्या होता है ऑन टू दोनों है तो हम उसे बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन